पॉपकॉर्न कह दूंगा छोड़ दे, फोन कर दे पापा से। हेलो तो छोड़ना मन है। तो गाइज आप मौसम देख रहे हैं कितना अच्छा हो रहा है आज, ऐसे में आउटिंग तो बनती है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं ये हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, तो चलो चलते हैं। तो क्या डिसाइड किया आपने, कुछ डिसाइड किया? कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले मम्मी पापा के पास चलेंगे, फिर चलेंगे वहाँ, चल के सोचेंगे कहाँ चलेंगे कहाँ नहीं। लोग पापा के पास पहुंच गए हैं। परी और पापा खाना खा रहे हैं और इधर प्रदीप जी और अनिल जी खाना खा रहे हैं। तो गाइस डिंपल जा रही है अपने ससुराल और ये ससुराल जाने की तैयारी कर रही है। रास्ते पे देखो गाइस कितने ज्यादा हरियाली है, पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं हरे हरे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बायोलॉजिकल पार्क, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। अंदर जाने के लिए आपको यहाँ से एंट्री करनी पड़ती है। पहुंच चुके हैं, यहाँ पे कितनी ज्यादा क्राउड हो रखा है। और गाड़ी के लिए लेके जा अंदर, यहाँ पे बैठ है। तो गाइस ये है बायोलॉजिकल पार्क का पार्किंग एरिया, यहाँ पे हमने हमारी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। तो अभी गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हम लोग जाएंगे अब यहाँ से टिकट काउंटर पे, वहाँ से टिकट लेंगे, फिर अंदर एंट्री करेंगे। तो गाइज ये है इसका मेन एंट्री पॉइंट, और ये जो सामने गेट ऐसे बना हुआ है, इधर से जो ऑटो आ रहा है इसके अंदर से हम सफारी के लिए अंदर जाते हैं। तो गाइज अभी इस गेट से हम लोग अंदर एंट्री करें, और यहाँ पर इस बड़े से पत्थर पे ऐसे इसका पार्क का नाम लिखा हुआ है। हम अंदर जाने के लिए ऑटो कर रहे हैं, ऑटो से अंदर जाएंगे। तो फ्रेंड्स एंट्री करने के बाद हमने बायोलॉजिकल पार्क में अब हमने ई रिक्शा लिया, ई रिक्शा से हम अंदर की तरफ सफारी में जा रहे हैं। अंदर सफारी के लिए इस गेट से एंट्री करेंगे अभी। मनु बस 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 गिर जाएगा वो, आगे से लोइन आ गया। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमने इसके अंदर एंट्री की तो बारिश शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स ये देखें जयकाल सो रहे हैं बारिश के अंदर, सारे एक जगह बैठे हैं, और वो एक उधर वो है जो शायद खेल रहा है क्या कर रहा है। तो गाइस यहाँ हम जब भी आते हैं हमारे साथ कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। पिछली बार जब हम आए थे तो तेज धूप हो रही थी, और इस बार आए तो बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश शुरू हो गई है। बारिश में घूमने में मजा तो आ रहा है लेकिन भीगते जा रहे हैं साथ साथ। ये लोयन है जो पेड़ों की झुरमुट में छुपा बैठा है। तो गाइज वो सामने पैंथर है, वो पीछे चला गया झाड़ियों के। छोड़े छोड़
नहीं तेरे पापा ने कह दिया मैं छोड़ फोन करना पड़ा छोरी तू अपराध करे चिड़िया छोरी। और ये देखिए गाइस ये नींबू का पेड़ है, इसके ऊपर नींबू लगे हुए हैं। मजाक कर रही हूँ गाइस, ये नींबू का पेड़ नहीं है, पता नहीं किस फ्रूट का पेड़ है, ये नींबू जैसे लग रहे हैं। इसको तो आप जानते हैं, जाना माना जानवर है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है क्या है ये। तो गाइस बारिश है वो तेज हो चुकी है, तो गाइस हम लोग चलते चलते यहाँ पे थक गए और थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं बैठ के। और ये यहाँ पे कुछ ऐसे साइड बने हुए हैं जिनके नीचे अगर आप चलते चलते थक जाते हैं तो यहाँ बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। मानु क्या हुआ? और ये मानुषी फिर से रुक गई यहाँ पर, भी फूल देखते हैं इसको तोड़ने के लिए रुक जाती है। तो गाइस ये बारिश आ चुकी है बहुत तेज है, हम लोग भी भीग चुके हैं काफी। और मानुषी है वो जिद कर रही है पैदल चलने की, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी चले। मानु जल्दी जल्दी आजा, क्या कर रहा है मानु? फूल तोड़ रहा है, बस तो आजा। क्या क्या हुआ? पीछे से जंगल कितना डरावना सा लग रहा है। तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? इससे रास्ता भी ऐसे जा सकते हैं अंदर, डर लग रहा है इसको देख के ऐसे जंगल को। तो गाइस मानुषी को फ्लावर दिख गए हैं तो वो तोड़ने के लिए दौड़ती आई है यहाँ पर। वाओ छोटा सा पॉइंट बना हुआ है जिसमें कमल के फूल लगे हुए हैं। तो गाइस मानू यहाँ आके बहुत खुश है, बड़े मजे आ रहे हैं इसे यहाँ घूम के। बोलो इधर खदे, इधर बोल इसको काट रहा है, देखो काट रहा है। बेर ब्लॉक है, बेर है। पप्पू मैंने काटा। तो गाइस ये देखो बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, बिल्कुल पहाड़ के बराबर, और बारिश है वो बहुत तेज हो चुकी है। ये देखो आप कितना सुंदर नज़ारा है बादलों का। तो गाइस हम लोग अब बाहर आ चुके हैं घूम के, भीग गए पूरी तरह, ऑटो का वेट कर रहे हैं, अभी ऑटो वाला आएगा फिर घर जाएंगे। तो गाइस हम वापस आ गए हैं ई रिक्शा लेके और अब हम घर की ओर निकलेंगे। तो गाइस ये हिप्पोपोटामस के लिए अलग से ब्लॉक बना रखा है। तो गाइस परी आई नहीं है तो क्योंकि उसकी एग्जाम है तो वो घर पे रुक गई, अब उसका वीडियो कॉल आया बोले मेरे को दिखाओ, और मानू बात कर रहा है उससे। हिप्पोपोटामस तक पहुंचने के लिए इस गहरे जंगल को पार करना पड़ रहा है। चलिए बड़ा हो रहा
देखा वो देख घुस गया पूरा बार। क्या हुआ मानू, कैसे नाराज हो गई है मानुसी? मानुसी नाराज हो गई है, अभी किस बात से हुई है? क्या हुआ बेटा? पूरा बायोलॉजिकल पार्क घूम लिया, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, पहाड़ों के ऊपर बारिश की वजह से ऐसे लग रहा है जैसे बादल एकदम पहाड़ों के ऊपर ही आ गए हैं। पहाड़ बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे बादलों की चादर से ढक चुके हैं इस लड़की को जंगल। तो गाइस एक तो हमें वैसे ही घर पहुंचने में लेट हो रही है और आगे इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रखा है, घर पहुंचने में ट्रैफिक की वजह से और भी ज्यादा लेट हो जाएगी। आगे तक ट्रैफिक की एक लंबी लाइन लगी हुई है। गाइज गणपति पप्पा के आगमन के लिए मार्केट में सुंदर सुंदर मूर्तियां आ गई हैं और मैं इसी के साथ ही अपने ब्लॉग का एंड करती हूं और गणपति पप्पा से यही कामना करती हूं कि अपने आगमन के साथ ही आप सभी के घर में खूब खुशियां लेकर आएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।